हेलो फ्रेंड्स, हम आज आ गए हैं हमारा थर्ड ब्लॉग कश्मीर का लेकर। और अब हम जा रहे हैं डल लेक से गुलमार्ग। देखो आज बहुत ठंड है, डल लेक पर बहुत कोहरा है और हम सब रेडी हो चुके हैं। और ये देखो डल लेक में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर का, बहुत बहुत कोहरा है यहाँ पर। देखो आज टेम्परेचर है -3 और देखो यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो गया है और रास्ते के दोनों तरफ बर्फ़ गिर चुका है और अभी भी गिर रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग ये देख पा रहे हो कि नहीं। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा और रास्ते में आप थोड़ा बहुत रुक गए तो और ज़्यादा भी लग सकता है। ये फ्रेश बर्फ़ है और बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है। रास्ते के दोनों तरफ ही बर्फ़ गिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। एंड काव्या एंड विद्या तो बहुत एक्साइटेड है, ये स्नोफॉल उनको बहुत ही खुश कर दिया और ये सोच रहे हैं कब उतरेंगे और कब जाकर हम बर्फ में खेलेंगे। और ये हमारा गंडोला राइड आ गया। हम फेज 1 का टिकट पहले से ही करवा चुके हैं। फेज 1 का टिकट हमको लगा करीब 800 पर है और आप अगर दोनों फेज करना चाहोगे तो 1000 से ऊपर रेट रहेगा। नहीं, बहुत देर पे गिर रहा है। हमने हमारे संग एक गाइड लिए थे तो इनका कहना है इस साल बड़ी देर से हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। ये गंडोला राइड का टिकट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देखो गाइस यहाँ पर छोटे छोटे घर दिख रहा है, ये शेरपाओं का घर है। गर्मी में यहाँ पर शेरपा रहते हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। और देखो यहाँ पर पैदल ही कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर, मगर हमें पता नहीं ये अपना सफर पूरा कर पाएंगे कि नहीं। गुलमार्ग का केबल कार वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट केबल कार में से जाने जाते हैं। और अभी यहाँ का टेम्परेचर है -7 डिग्री और हम अब उतर चुके हैं। देखो कितना सुंदर व्यू। हेलो हेलो,
बर्फ ना जैसे असली बर्फ में जो एल्सा में के होता है ना, हाँ बर्फ दिखाते वैसे। और ये बच्चों का और हमारा भी फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। इसके शेप हमें पहली बार दिखाई दिया। बच्चों तो बच्चे और हम भी कैसे खुशी से उछल रहे हैं। देखिए गुलमर्ग से आने से पहले आप ये स्नो का ड्रेस रेंट करना मत भूलिए। ये मार्केट में रेंट पे मिलता है, यहाँ का मार्केट में ये काफ़ी अवेलेबल है, तो ये आपको 300 में मिल जाएगा। और अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा बहुत, और देखो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये फेज़ वन है और फेज़ टू तो बंद ही हो गया है। तो बर्फ में खेलने कूदने के बाद आप अगर भूख भी लग जाए तो यह बार उसका बंदोबस्त भी है, जैसे कि हमको भी भूख लग चुका था और हम यहाँ पर अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। ये खाना आपका गर्मा गर्म परोसे जाएंगे, और इतना ऊपर आकर भी आपको ये खाना नसीब हो रहा है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। और देखो ये बिद्दा लेट गई है ज़मीन पर, बर्फ में लेट गई है, और देखो ये पर कभी अभी यहाँ पर इस तरीके का स्लेज आपको मिल जाएगा। ये लोग स्लेज में ऊपर जाकर ऐसे नीचे उतरते हैं, और देखिए ये उतर गए। पीछे देखो एक बड़ा वाला स्नोमैन बनाया जा रहे हैं। तो अब हम गंडोला से ही वापस नीचे उतर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। और ये था हमारा गुलमार्ग का व्लॉग, तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।